खुलासी तो आपने बहुत साफ सुथरे दिए हैं, लेकिन दावा बहुत आपने कर दिया था कि कोई डॉक्टर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, और फिर प्रशांत किशोर जाते हैं और फिर एक तरह से मुझे लगता है कि यूटर्न सा उनका बयान ले लेते हैं वो पूरा। प्रशांत जी ने भी जो बोला है, शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, पूरे बिहार के लिए जरूरी है। जहाँ तेजस्वी यादव पर उनके शिक्षा पर हमला आप करते हैं, वही अपने प्रत्याशी के शिक्षा पर जब बात आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं शिक्षा जरूरी नहीं है राजनीति के लिए। लेकिन तेजस्वी जी पे जो बयान आता है उसमें ये आता है कि जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और वो शिक्षा में अक्षम रहा हो तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो अक्सर चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर आरोप लगाती हैं। आप चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे कि चुनाव बायस करा रहे हैं, वक्त से पहले करा रहे हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी चुनाव आयोग पर हम लोगों ने चुनाव मतलब नहीं ना कराएगा चुनाव आयोग, बिल्कुल नहीं कराना तो उसी का है, बिल्कुल नहीं कराना, पेज फंसा दिया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। सुरेंद्र यादव जी अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनील पांडे जी बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जगता बाबू बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी पुत्र बंधु की लड़ाई रहे हैं, तो हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब तक जो भी चुनाव हुए हैं लड़ाई हमेशा दो तरफा रही है, तीसरा मोर्चा कभी बना भी तो वो बहुत प्रभावी नहीं रहा। अगर कुछ उल्लेखनीय है तो वो 2020 में चिराग पासवान का एक अलग मोर्चे में जाकर चुनाव लड़ना, वो भी सारे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए थे। निश्चित ही बिहार में एक कहा जा सकता है सेफली कि तीसरे मोर्चे के लिए बहुत स्पेस नहीं रहा है, लेकिन ये अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में चार सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार कर एक बात तो जरूर साबित कर दी है कि वो तीसरे मोर्चे में भी ताकत ला सकते हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर चार प्रत्याशी को लेकर उतरे हैं, तरारी, इमामगंज और बेलागंज सहित रामगढ़ में अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा है। 23 तारीख को इस चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। एक बात तो हमने भी देखा है, इस चुनाव में प्रशांत किशोर के आने की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो अमूमन उपचुनाव में कम रहता है वो बढ़ा है, यानी प्रशांत का प्रभाव तो देखने को मिला है। लेकिन केवल प्रभाव से काम नहीं चलता है, बिहार में भुटकटवा कहा जाता है तीसरे मोर्चे को। क्या प्रशांत किशोर भुटकटवा बनकर रह जाएंगे या इन चार सीटों में से किसी पर जीत भी रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि सारी सीटों पर जीत रहे हैं, एक बहुत बढ़िया चुनाव उनका गया है, लेकिन उनके पार्टी के विकास ज्योति यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो इस दावे की हकीकत पर से पर्दा भी हटाएंगे और अपना दावा भी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पहला सवाल मेरा विकास जी यही रहेगा, चार सीटें हैं उपचुनाव में, आप गए हैं, 2 साल से आप लगातार बिहार में यात्रा कर रहे थे, ये भी नहीं कह सकते हैं कि तैयारी आपने नहीं की थी, पहला चुनाव जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसमें सारी ताकत झोंकी है, क्या रिजल्ट हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारी प्रथम चुनाव था और लोगों ने इसको बहुत, पार्टी के लोगों ने और हमारे जो जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी ने बहुत करीब से इसको देखा है और उनके साथ पूरी टीम ने बहुत जनता के करीब जा कर के रूबरू होने का मौका हम लोगों को मिला है। पहली बार एक चुनाव जो हम लोग लड़े वो लगा कि नहीं, एक जनता के बीच में जा कर करके किसी पार्टी ने चुनाव लड़ा है और ये जनता के करीब आना, जो पूर्ण स्थापित दल थे, जो वर्षों से पूर्ण स्थापित थे, उनके लिए बहुत परेशानी का सबब है। उनको जो तैयारी करनी पड़ रही है या 2025 में आने वाली जो परेशानी है उससे वो रूबरू हो रहे हैं, तो ये आज हम लोगों का जो जनता के बीच में जुड़ाव हुआ और आने वाले समय में, अब तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हम क्या करेंगे, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट से ही पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया, जनता ने मुझे कितना समर्थन दिया और उस समर्थन के आधार पर हमारी नोटिस जनता ने कितना लिया है। एक पूरा चर्चा रहा चुनाव भर में, चर्चा तो आपकी खूब हुई, एक चर्चा नेगेटिव भी होती रही प्रत्याशी चयन को लेकर। आपने दावा किया था कि एक इंटरनल हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें पहले कोई अगर चुना जाएगा तभी उसे हम प्रत्याशी चयन करेंगे, लेकिन प्रत्याशी बदल कर आपने कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मैसेज दे दिया। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों ने प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया थी वो आज भी वही प्रक्रिया पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से साजिशन चुनाव के समय में बहुत छोटा समय निर्धारित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, ये प्रशांत के भय से स्थापित हुआ,
प्रशांत के भय से यह स्थापित हुआ कि बहुत कम समय दे कर करके उसको रोका जाए। हम लोगों के पास जो पूर्ण स्थापित जो थे और जो मेरे पार्टी के सदस्य थे, ऐसा नहीं कि बाहर से किसी दूसरे दल से ला करके हमने उम्मीदवार को दे दिया जी। नहीं, वो जन सुराज के अभियान से जुड़े हुए साथी थे। संशय क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास सब कुछ पहले से तैयार था, सर्वे करा रखा था आपने, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रत्याशी एक जो हमारे जो आए वो टेक्निकल कारण के बदलना पड़ा। वो टेक्निकल कारण आपने देखा था पहले? हाँ, नहीं नहीं, बहुत सारी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है ना कि टेक्निकल इशू जब इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कारण। आपको याद होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और तारिक अनवर साहब को MLC का टिकट दिया गया था तो टिकट ही वापस करना पड़ा था। तो ये कोई बहुत बड़ी मुद्दे नहीं है, इस मुद्दे के आधार पर लोग इसको बनाना चाहे। लेकिन खैर, वहां पर हमने तुरंत प्रत्याशी अपना चयन किया और जहां भी स्वाभाविक हमारे प्रत्याशी थे, बेलागंज थे या जहां जहां थे जो प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। और किसी बैड एलिमेंट्स के आधार पर आप ये नहीं बता सकते हैं कि जन सुराज ने दबंगता पूर्वक या किसी तरह से बैड एलिमेंट्स के आधार पर। प्रत्याशी तो आपने बहुत साफ सुथरे दिए हैं, लेकिन दावा बहुत आपने कर दिया था कि कोई डॉक्टर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, और फिर प्रशांत किशोर जाते हैं और फिर एक तरह से मुझे लगता है कि यूटर्न सा उनका बयान ले लेते हैं वो पूरा, जहाँ तेजस्वी यादव पर उनके शिक्षा पर हमला आप करते हैं, वही अपने प्रत्याशी की शिक्षा पर जब बात आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, शिक्षा जरूरी नहीं है राजनीति के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। प्रशांत जी ने भी जो बोला है, शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, पूरे बिहार के लिए जरूरी है। लेकिन तेजस्वी जी पे जो बयान आता है उसमें ये आता है कि जिसके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और वो शिक्षा में अक्षम रहा हो तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बहुत सारी अभी बिहार की आबादी है जो पैसे के अभाव में या गार्जियन के अभाव में नहीं पढ़ पाती, तो क्या उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? तो जो अशिक्षित है वो भी बिहार चला सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लीजिए वो योग्य है और किसी वस्तु स्थिति में वो पढ़ाई नहीं कर पाया। अब जैसे मान लीजिए हमारे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा थे तो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध, तो राजनीति संघर्ष भी होती है। लेकिन तेजस्वी जी को इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि आपके पिताजी बिहार के, मतलब उस समय के एक तरह से दोनों भगवान थे, ठीक है, और आपकी एक बहुत बड़ी आबादी पर मास वोट था और आप एक जन नेता थे। अगर आप पढ़ लिख कर करके एक अच्छे तरह से आते तो लोगों को अच्छा लगता, लेकिन आपने पढ़ाई के प्रति, आप आइकॉन थे जी। अगर आप पढ़ करके आते राजनीति, जैसे अखिलेश सिंह यादव हैं, वहाँ मुलायम सिंह के बेटे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से पढ़ लिख करके आए तो एक अच्छे तरीके से वो भी राजनीति करते हैं और उनको कोई दिग्भ्रमित नहीं। लेकिन आपने जो पढ़ाई का कल्चर ही खत्म कर दिया, इस पे लोग टिप्पणी करते हैं और ये टिप्पणी सही भी उन पे बैठी। एक और आरोप आप पर लग रहा है कि पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो अक्सर चुनाव आयोग पर, EVM पर आरोप लगाती हैं। आप चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे कि चुनाव बायस्ड करा रहे हैं, वक्त से पहले करा रहे हैं, ये तो फैसला चुनाव आयोग का है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसी चुनाव आयोग पर हम लोग चुनाव मतलब नहीं ना कराएगा, चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं कराना, तो उसी का है। बिल्कुल नहीं कराना, उसमें पेज फंसा दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जिस तरह से हमारे बिहार का छठ पर्व है, हमारा एक छठ पर्व जो है वो लोक आस्था का पर्व है जी। और पूरी तरह से इस चुनावी कैंपेन का, 13 तारीख को चुनाव है, छठ पर्व कितने तारीख को है, 8 तारीख को समाप्त हो रहा है और 13 तारीख को आप चुनाव ले रहे हैं, तो ये तो सभी पार्टियों के लिए है ना, ये शॉर्ट है ना, अगर आपके लिए तो सभी पार्टियों के लिए है। ये तो आपको कैसे प्रभावित ज्यादा कर पाता है? नहीं नहीं, हम लोग प्रभावित इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, हम लोग लोक आस्था की बात कर रहे हैं, हम लोग सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो छठ में आएगा वो दोबारा नहीं जाए। प्रवासी जिनकी बात आप बार बार कर रहे हैं वो वापस न चले जाए, वापस नहीं। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अपने बच्चे की बात कर रही है, सुरेंद्र यादव जी अपने बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनील पांडे जी बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जगता बाबू बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी पुत्र बंधु की लड़ाई रहे हैं, तो हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। निश्चित निश्चित, ये तो आपने स्थापित कर दिया कि परिवारवाद को हो सकता आप नहीं, हम तो बिहार हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर का भाई था, प्रशांत किशोर की भाभी थी जी, कोई भतीजा था, ऐसा तो नहीं था। तो हम तो उठाएंगे सवाल बिहार का, उनको अपने बेटे बेटी का सवाल उठाने का हक है और हमको बिहार का सवाल उठाने का हक है, बिहार का सवाल उठाएंगे। हमने चुनाव आयोग को कोई आरोपी थोड़े ही किया है, हमने किया कि लोक आस्था का पर्व है और इसमें कुछ समय मिलना चाहिए था, तो ये रिक्वेस्ट करने का अधिकार तो हमको प्राप्त है। दर्शकों को भी ये बताइए कि 4 सीटें जो हुई है
आप लोग वास्तविक तौर पर कितना कॉन्फिडेंस है? कहने के लिए तो चारों सीट जीत रहे हैं, सभी कह रहे हैं चार सीट जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए इस पर अब टिप्पणी करना, इस पर अब टिप्पणी करना राजनीतिक दलों के द्वारा है, और खास कर करके जो हम लोगों की राजनीति हो धरातल की राजनीति है जी। हम लोग किसी तरह से सस्ती लोकप्रियता और फेक तरह की राजनीति करना पसंद जी। नहीं करते हैं। अब 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसको देखा जाए। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम लोगों को बिहार की राजनीति में 23 तारीख के रिजल्ट जो आएगा उसमें पूर्ण एक स्वीकारता जो है पूर्ण तरफ से स्वीकार किया जाएगा, ये आज मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं। और ये जो परेशानी है, ये स्वीकार किया हुआ जनता के द्वारा जो मुझे स्वीकार किया गया है, इसकी परेशानी आपको 2025 के लिए इन लोगों को बहुत भारी साबित होगा। जदयू और राजद के लोगों ने साफ तौर पर कहा है, दोनों की बात देखिए मिल रही है कि 50% चुनाव आ रहे हैं उसके बाद बिहार में नजर नहीं आएंगे। देखिए अब बात है कि वो तो मान लीजिए कि तेजस्वी यादव भी जब चुनाव जीत जाते हैं हार जाते हैं तो बिहार में नजर नहीं आते हैं जी। ठीक है, वो तो अपनी बात अगर रख रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं जी। हम लोग तो चुनाव लड़ने की बात ही नहीं थी, 2 साल से प्रशांत जी पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, उसमें चुनाव थी क्या जी? उसमें तो कोई चुनाव नहीं, बिल्कुल हम लोग तो पैदल घर घर जाकर के सभी जगह पे यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा में ये भी नहीं है कि धोती कंबल साड़ी बांट रहे हैं, भी नहीं है कि कहीं धोती कंबल साटी बांट रहे हैं कि उसके लिए भाई भीड़ जुट रही है जी। हम लोगों का तो स्पष्ट सोच है, हम लोग तो ये भी कहते हैं, खुल करके कहते हैं, प्रशांत जी ने खुल के कहा है कि अगर मैं सत्ता में नहीं भी आऊंगा तो 5 साल और काई बिहार का जो काई है उसको और घसूंगा। हम लोग इसलिए चुनाव नहीं, मेरी परिपाटी एकदम स्पष्ट है, हम लोग कोई सत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम लोग बिहार की परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम लोगों को एक औद्योगिक बिहार कैसे बनाना है, पलायन कैसे रोका जा सके, बिहार में एजुकेशन सिस्टम कैसे सही हो। छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, कल से पेपर में आ रहा है परसों से कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और एक मरीज का आँख ही गायब हो गया, अब कहता है चूहा खा गया है। अब बताइए इस सिस्टम का क्या कहा जा सकता है जहाँ एक मरीज का चूहा खा जा रहा है आँख को, इस सड़ी गली व्यवस्था को कैसे, और इस सड़ी गली व्यवस्था को अगर कोई बदल सकता है आज के समय में तो जन सुराज बदल सकती है, दूसरा कोई विकल्प बिहार के जनता के सामने। वैसे तो आप गठबंधन की राजनीति में नहीं है लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि इमामगंज में आप और चिराग पासवान मिलकर मांझी जी के खिलाफ खेल कर दिए, उसमें चिराग पासवान का पूरा समर्थन आपको मिला है, पासवान प्रत्याशी भी आपने उतार दिया, इस पर क्या कहिएगा? चिराग पासवान ने कोई जनसभा संबोधित किया है क्या जन सुराज का? भीतरिया खेल लोग बोल रहे कर रहे थे। अब मान लीजिए अगर कोई गए भी तो नहीं, माझी की मदद करने भी तो नहीं गए, अगर और उन्होंने माना भी है एक जगह प्रेस को, एक बातचीत कर रहे थे पत्रकार से तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं, हम दोनों की विचारधारा एक जैसी है, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर मान लीजिए तो अंदर नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान जी ने इस बात को स्वीकारा है तो चलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि प्रशांत जी के सारे प्रयास को उन्होंने सराहनीय बताया, कम से कम सच तो स्वीकार किया ना उन्होंने, एक युवा होने के नाते बिहार के सच को स्वीकार किया कि चलिए बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, कन्हैया ने भी स्वीकार किया है जी। कन्हैया ने भी स्वीकार किया इस बात को कि प्रशांत जी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, कुमार विश्वास ने भी इस पर टिप्पणी किया है कि प्रशांत जी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई जो अच्छा जिसको दिखेगा तो अच्छा स्वीकार करेगा, राजनीति बात की बात है, लेकिन इन्होंने बिहार के लिए अच्छा किया है और ये सारे बिहार के लोग इसको अब नोटिस कर रहे हैं। राजद जदयू समेत कई पार्टियों से लोग टूट टूट कर आपके पास आ रहे हैं, अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान के दर्जनों नेता आपके संपर्क में है, प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लग रहा है कि राजू तिवारी भी आपके संपर्क में है, कुछ जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में दर्शकों को, बड़ा इसको लेकर संशय है। देखिए हम लोग किसी के संपर्क में नहीं है, हम लोग आपके संपर्क में है चिराग पासवान की पार्टी के लोग, मैं बता देता हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, हमारी पार्टी किसी नेता के संपर्क में नहीं है, हमारी पार्टी बिहार के जनता से डायरेक्ट संपर्क में, और जनता का जो भी दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी जिस पार्टी का लोकप्रिय नेता होगा जिसे बिहार की भलाई के लिए मेरी पार्टी में आना होगा, मेरा जनता से डायरेक्ट संपर्क है, और उस पार्टी के लोकप्रियता के आधार पर अगर संपर्क होगा, अगर उस जनता चाहती होगी कि नहीं जन सुराज के टिकट पर ही चुनाव लड़े तो भाई हमें वो स्वीकार है।
मतलब आप दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से भी लोग टूट के आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम किसी पार्टी को तोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो खुद आ रहे हैं स्वतः। अगर स्वतः संपर्क कर रहे हैं, अगर नहीं नहीं अगर संपर्क करेंगे लोग तो भाई वेलकम है। बिहार को बदलना है तो सारे पार्टी के लोग, सारे बिहार के लोग और जनता से तो मेरा डायरेक्ट चुनावी गठबंधन हमारा जनता का साथ। दरवाजे खुले हुए हैं, हाँ दरवाजे खुले हुए हैं बिहार के परिवर्तन के लिए। जो भी स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो एक बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका मेरे दल में। अंतिम सवाल है मेरा, प्रशांत किशोर जब से बिहार की राजनीति में आए हैं, पदार्पण हुआ है, तब से एक बात वो बार बार बोल रहे हैं कि शराबबंदी जबरदस्ती है, ये दकियानुसी फैसला है, इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो सरकार और जनता को झेलना पड़ रहा है। अब तो हाई कोर्ट ने भी एक बयान दे दिया, रिमार्क दे दिया कि शराबबंदी के कारण बिहार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको फायदा हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को फायदा हो रहा है, एक अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, लोग शराब पी के मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सत्यापित हो जाती है। देखिए अब शराबबंदी पर तो जहां तक हमारा रहा है, हम जब भी मीडिया हाउस में बात किए तो हम किसी को दोषी नहीं मानते। शराबबंदी जो है ये सीधे एक प्रायोजित सिंडिकेट जो है, ये नीतीश कुमार के द्वारा सिर्फ अपनी जदयू पार्टी का फंडिंग के लिए ये चलाया जाता है। इससे किसी को नुकसान और किसी को फायदा नहीं है, बिहार की जनता को नुकसान है, राजस्व मारा जा रहा है। जितना राजस्व है ये सीधे सीधे जदयू के नेताओं के द्वारा बिहार में एक तरह से स्लीपर सेल है, उसके द्वारा डायरेक्ट फंडिंग जनरेट किया जाता है और उसका इन लोग चुनाव में उपयोग करते हैं। इसमें किसी पार्टी का देने, ये सीधे जदयू का आपराधिक मामला बनता है। जी अरे भाई, दिल्ली में शराब घोटाला होता है और यहाँ 30,000 करोड़ का हर साल घोटाला हो रहा है, इस घोटाला का जांच क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो सीधा सीधी एक सरकार के द्वारा घोषित घोटाला है। बहुत मुखर होकर पार्टियां बोलती भी नहीं है, आपकी पार्टी नीतीश सर रही नहीं है इसलिए आप मुखर होकर बोल पाते हैं। अभी हाल ही में जो रिमार्क आया है, राजद ने इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की है, उल्टा जदयू कहती है कि वो तो शराब माफियाओं से चंदा लेते हैं, इस पर क्या कहती है? देखिए बात क्या है कि आप पार्टनरशिप डीड पर जब सिग्नेचर किए हुए हैं, जी बिहार में दो दल, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, दोनों नीतीश कुमार के पार्टनरशिप डीड पे 50% का पार्टनर नीतीश कुमार रहते हैं और 25% का आरजेडी है और 25% का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तीनों साथी हैं। ये तीनों को पता है कि हमको कितना कितना शेयर मिलना है, तो भाई आरजेडी कैसे बोलेगी? उसको भी खाना पीना उसी से है। भारतीय जनता पार्टी कैसे बोलेगी? उसको भी खाना पीना उसी से है। हाँ, नीतीश कुमार तो स्वघोषित सरदार उसके है ही है, तो फिर इस पर तो कोई भय नहीं। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला अगर कोई निर्णय होगा तो शराबबंदी को खत्म करना होगा, और एक बहुत स्मार्ट पॉलिसी के साथ, ये भी नहीं एक स्मार्ट पॉलिसी के साथ, जो आपका मुंबई में है, गोवा में है, बहुत सारे स्टेट में, कर्नाटका में है, उस पॉलिसी के तहत हम लोग लागू करेंगे। तो रिजल्ट के दिन के लिए पटाखा मिठाई सब ऑर्डर कर दिए आप लोग? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। विकास ज्योति हमारे साथ मौजूद थे, जन सुराज की तरफ से इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जन सुराज के चुनाव और बिहार में जो शराबबंदी है, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने अपना मंतव्य रखा। निश्चित ही एक बहुत बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट है इनकी पार्टी के लिए। 23 तारीख पर हमारी नजर होगी, आपकी नजर भारत में होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7-layer सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।